हाय फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का ब्लॉग है खाने के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से मुझे थोड़ा बोर फील हो रहा था कि एक टाइप का खाना खाते खाते ना एकदम बोर हो जा रही थी मैं। तो मैंने सोचा यूट्यूब में वीडियो देखे, तो मैंने वीडियो देखना शुरू कर दिया और थोड़ा वेस्टर्न टाइप का खाना खाने मन कर रहा था। आज का गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। अभी थोड़ा क्लाउडी वेदर हुआ है, लेकिन होने से भी ना और भी ज़्यादा गर्म लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो भी ये रेसिपी एकदम सिंपल है आप लोग, और रेसिपी जब देखा ना मुझे बहुत डिलीशियस लगा, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। कैसा होगा पता नहीं, लेकिन देखने से ही मन करता है कि खा लूँ। हाँ, प्लेट में इतना सुंदर कलरफुल, इतना अच्छा लगता है। तो हर वक्त मतलब स्पाइसी खाना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा लाइट एकदम सिंपल खाना अच्छा लगता है। तो देखने में इतना डिलीशियस लग रहा था, मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूँ घर पे और देखूँ कैसा टेस्ट है। अगर अच्छा लगा तो बार बार खाऊंगी, अगर नहीं लगा तो नहीं खाऊंगी। चलिए देखते हैं पहले कैसे बनाते हैं और मैं कैसे बनाती हूँ, उसके बाद। तो दोस्तों, जब खाना स्टार्ट किया, हाँ मैंने टेस्ट करके देखा, बहुत अच्छा था, बहुत यमी था। उसने पहले बोला था कि ये फ़िश नहीं खाएगा, ये फ़िश उसको पसंद नहीं है। तो मैंने बोला थोड़ा खा के देखो कैसा होता है। तो मैं मेरा जो खाना है वो देख के उसको भी थोड़ा लालच लग गया, तो उसको बोला मैंने तो खाओगे? हाँ, इसलिए मैं हंसने लगा। उसके बाद तो टूट पड़े, पूरा ख़त्म कर दिया हम दोनों ने मिल के, और बेबी के लिए थोड़ा रख दिया था। तो सही में जितना देखने में डिलीशियस था उतना ना खा। सो गाइस, फाइनली खाना हो गया, और सच्ची बोलो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये टेस्टी भी था, एकदम लाइट था, और राइस भी अच्छा कम खाया, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा लाइट लाइट लग रहा है। तो ऐसे बीच बीच में खाना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे ये ब्लॉग एंड रेसिपी, ज़रूर बना के खाइए, रियली इट्स यम्मी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।